उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियों और जन कल्याणकारी योजनाओं की सफलता की जानकारी जन जन तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाली गई जन विश्वास यात्रा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से गुजरते हुए आज केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के नेतृत्व में कुशीनगर से महाराजगंज जनपद में पहुंची। जनपद में यात्रा के पहुंचने के बाद कार्यकर्ताओं ने एवं स्थानीय लोगों ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान जगह जगह स्वागत द्वार बनाए गए थे और जनसभा के माध्यम से आम जनमानस को केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा करते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भारी जीत दिलाने की अपील की है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने 4.5 साल काम किया है, उस काम को लोगों को बताना और जनता का आशीर्वाद लेकर इस बार फिर से भाजपा की सरकार स्थापित करना है। इसे देखते हुए निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पहले से ज्यादा सीटें लेकर आएंगे। देखिए, जन विश्वास यात्रा निकली है जो उत्तर प्रदेश के 6 स्थानों से निकली है। ये 5वां यात्रा है जो बलिया से निकल करके चल करके यहाँ पर पहुंची है। और निश्चित तौर से जनता के बीच में जो 4.5 साल 5 साल हमारी सरकार ने काम किया है उसको सब लोगों को बताना और उनसे उनका आशीर्वाद लेना ताकि भविष्य में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। क्या उपलब्धियां बता रहे हैं जनता, किस तरह की उपलब्धियां गिना रहे हैं सर जनता के साथ? देखिए, मोदी सरकार हो या योगी सरकार हो, जो हमने वादा किया था कि आम गरीब आदमी को हम सुविधा देंगे और निश्चित तौर से सबका विकास सबका साथ का जो नारा था, सबका साथ सबका विकास का नारा था, आप लोग अगर देखें तो गरीब को जो अंतिम व्यक्ति है, जो पंडित दीनदयाल जी का 100वां अंत्योदय, उसके तहत हमारी पार्टी ने हर गरीब को आवश्यकता होती है एक मकान की, उसमें शौचालय की, उसमें बिजली के कनेक्शन की, उसमें पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। गरीब आदमी है तो 2-3 रुपये सस्ता उसको राशन मिलना चाहिए, अगर बीमार पड़ता है तो बीमारी की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो गरीब आदमी है तो निश्चित तौर से 6,000 रुपया साल में उसकी मदद भी की जा रही है ताकि आम गरीब आदमी अपने पैरों पर खड़ा हो सके। उस तरह हम लोग कार्य किए, उसी चीज को लेकर जनता के बीच में जा। आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी बीजेपी की? निश्चित तौर से जो विश्वास यात्रा में हम लोगों को जो सहयोग मिल रहा, समर्थन मिल रहा, जो उत्साह है लोगों में, आम जनता में जो उत्साह है कि आज विपरीत मौसम के बाद भी अगर आप बाहर देखें तो कितने भारी संख्या में लोग खड़े हुए हैं, निश्चित तौर से मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग पहले से ज्यादा सीट लेकर के उत्तर प्रदेश में आएंगे। ठीक है भैया। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।